इसराइल हमास युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट के लाल सागर में युद्ध का एक नया फ्रंट खुल गया था। यमन का हूती लगातार लाल सागर, एडन की खाड़ी, बाबल मंदेब और अरब सागर में पश्चिमी देशों के जहाजों पर हमले कर रहा है। हूती लगातार इसराइल और पश्चिमी देशों से जुड़े जहाजों पर मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन हमले कर रहा है, जिसकी वजह से या तो ये जहाज समुद्र में समा गए या फिर इन्हें भारी नुकसान हुआ है। लेकिन अमेरिका की अगुवाई में पश्चिम और अरब के कुछ देशों ने हूती के खिलाफ लड़ने के लिए एक गुट बनाया था, जो लाल सागर में हूती के हमलों का जवाब दे रहा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की ये कोशिश पूरी तरह से नाकाम होती नजर आ रही है। दरअसल पिछले 20 अप्रैल 2024 को जर्मनी का युद्धपोत हेसन लाल सागर से वापस लौट गया था। जर्मनी ने यूरोपियन यूनियन के सैन्य मिशन के तहत फरवरी 2024 में इस युद्धपोत को लाल सागर में तैनात किया था, लेकिन अब इसी कड़ी में ऐसा लग रहा है कि लाल सागर से अमेरिका ने भी मैदान छोड़ दिया है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका का यूएस ड्वाइट डी आइजनहावर अब लाल सागर से निकल चुका है। ये युद्धपोत अब स्वेज नहर में चला गया है। अमेरिका का यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर और यूएसएस ग्रेवेल करीब 4 महीनों से लाल सागर में डेरा जमाए हुए थे और अमेरिकी युद्धपोत के लाल सागर से जाने को लेकर लेबनानी मीडिया अल मयादीन का कहना है कि ये युद्धपोत पूरी तरह से यमन के हमलों को रोकने में नाकामयाब रहा है। अमेरिका ने इस युद्धपोत को लाल सागर में इजरायली जहाजों की सुरक्षा के लिए तैनात किया था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी नौसेना का भी इस पर आधिकारिक बयान आ गया है, जिसमें उसने कहा है कि यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर यूएसएस ग्रेवेल के साथ अब पूर्वी भूमध्य सागर में पहुंच चुके हैं। हालांकि अमेरिकी नौसेना ने अपने बयान में ये नहीं बताया कि ये दोनों युद्धपोत पूर्वी भूमध्य सागर में कब तक रहेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि अमेरिका का IKE CSG और USS मैसन और USS फिलीपींसी अभी भी इसराइल की रक्षा में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि नवंबर 2023 में अमेरिकी युद्धपोत USS ड्वाइट डी आइजनहावर स्ट्रेट ऑफ हर्मूज से होते हुए अरब सागर में पहुंचा था और इसी को लेकर अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है कि आइजनहावर अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में नेविगेशन की स्वतंत्रता के लिए पेट्रोलिंग जारी रखेगा। साथ ही ये युद्धपोत सेंटकॉम की इलाके में जरूरतों को भी पूरा करेगा। वहीं दूसरी तरफ अब हूती के नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने ऐलान किया है कि वो अब हिंद महासागर में हूती के हमलों को और मजबूत करेंगे। अब्दुल मलिक का कहना है कि वो इसराइल से जुड़े हुए जहाज जो केप ऑफ गुड होप रूट से गुजर रहे हैं उन पर भी हमले तेज करेंगे। हूती के नेता का ये भी कहना है कि हिंद महासागर में हूती के हमलों को अमेरिका, ब्रिटेन और इजरायली नेताओं ने कभी गंभीरता से नहीं लिया और न ही उन पर ध्यान दिया, और इसलिए इस रूट पर इजरायली जहाजों का रास्ता पूरी तरह से बंद किया जाएगा।